हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन ईवीएस क्लास फोर्थ थर्ड लेसन लश ग्रीन वर्ल्ड। ओके, लश का मतलब होता है हरा भरा। यस, तो ये जो लेसन है उसके बारे में यहाँ पे सब ट्रीज़ के बारे में दिया है, उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगी। देखो, फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द कलर। मीन्स आपको यहाँ पे देखो, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड कलर इट। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ट्री का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है। जैसा भी आपको ट्री का पिक्चर बनाना आता हो वैसा आपको बनाना है और यहाँ पे कलर करना है, ठीक है, वो अच्छे से ड्राइंग करना है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, थिंक एंड राइट। आपको सोचना है और यहाँ पे लिखना है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, ऐड नेम्स ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो भी आपके फेवरेट वेजिटेबल्स फ्रूट आपके जो है उसके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। देखो, ट्री मीन्स आप सबको पता है, ट्री एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसे हम बोलेंगे ट्री। श्रब क्या होता है, छोटे पेड़ होते हैं, उसे हम बोलेंगे श्रब। और क्लाइंबर किसको बोलेंगे हम, जो भी ट्री कोई भी स्टिक की सपोर्ट की वजह से या तो कोई दीवार की सपोर्ट की वजह से वो ट्री बढ़ता है, उसे हम बोलेंगे क्लाइंब। और यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, कुछ नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिए हैं और कुछ नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला क्या दिया है यहाँ पे, चिली। तो चिली का पेड़ कैसा होता है, ट्री होता है, श्रब होता है, क्लाइंबर होता है, तो कैसा होता है, श्रब होता है, एक छोटा सा पेड़ होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, मैंगो। मैंगो ट्री कैसा होता है, मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है, तो वो हम किस में टिक मार्क करेंगे, ट्री में। देन बॉटल गॉड, बॉटल गॉड आपको पता है ना, यस, लौकी, यस, उसको बोलेंगे बॉटल गॉड। तो वो कैसा होता है, वो किस में जाएगा, क्लाइंबर में, क्योंकि वो कोई भी स्टिक की सपोर्ट की वजह से वो स्टैंड होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रोज़, ठीक है। रोज़ कैसा होता है, श्रब, एक छोटा सा पेड़ होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स कैसे होती हैं, तो ग्रेप्स भी हम किस में यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लाइंबर में, क्योंकि वो भी स्टिक की सपोर्ट की वजह से खड़े होते हैं पेड़। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बनाना। तो बनाना ट्री कैसा होता है, वो तो बड़ा ट्री होता है, तो किस में जाएगा, ट्री में जाएगा। देन तुलसी, तुलसी का पौधा कैसा होता है, छोटा होता है, तो किस में जाएगा, वो श्रब में जाएगा। देन कुकुम्बर, कुकुम्बर आप सबने देखा होगा, हाँ, ककड़ी, तो वो उसका पेड़ कैसा होता है, वो भी किसी की स्टैंड या सपोर्ट की वजह से वो खड़ा होता है, तो वो क्लाइंबर में जाएगा। उसके बाद है अशोका, अशोका ट्री आपने देखा ही होगा, यस, हम लोग पूजा वगैरह में भी यूज़ करते हैं उसको, तो वो बहुत बड़ा पेड़ होता है, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, ट्री में जाएगा। उसके बाद है एप्पल ट्री, एप्पल ट्री भी एक ट्री की तरह होता है, बड़ा पेड़ होता है, तो वो भी किस में जाएगा, ट्री में जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया। देखो, ट्री मीन्स जो बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, बड़े पेड़, उसे हम बोलेंगे ट्री। श्रब्स मीन्स जो छोटे पेड़ होते हैं, जैसे कि चिली का हो गया, यस, रोज़ हो गया, यस, तुलसी हो गए, ये सारे श्रब। और क्लाइंबर किसको बोलते हैं, जो किसी की सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं पेड़, उसे हम बोलेंगे क्लाइंबर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखो, यहाँ पे क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है, यस, तो टेक इम्प्रेशन ऑफ डिफरेंट लीव्स। मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग पत्ते लेकर उसके ऊपर कलर लगा के यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, उसके ऊपर कलर लगा के आप यहाँ पे अगर रख दोगे उसको उल्टा करके, तो आपको उसका प्रिंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अलग अलग जैसे पेड़ के पत्ते लेकर यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम देखो, मैंगो का लीव्स ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रोज़ का लीव्स ले सकते हो, ऐसे अलग अलग लीव्स लेके आप यहाँ पे उसको उसका प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या दिया, देखो ऑब्जर्वेशन, या वहाँ पे, यहाँ पे भी एक टेबल दिया है, वो हम देखेंगे। टाइप ऑफ प्लांट्स, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, टाइप ऑफ प्लांट्स दिया, उसमें क्या लिखा है, ट्री, श्रब एंड क्लाइंबर। राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन योर एरिया, मीन्स आपके जो आजू बाजू एरिया में जो भी प्लांट ग्रो हो रहा है, बड़े हो रहे हैं, उसके आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ट्री में क्या लिखा है, नीम, नीम बड़ा सा ट्री होता है, अशोका मैंने बताया पहले, बनियन ट्री भी बहुत बड़ा, तो ये सारे किस में जाएंगे, ट्रीज़ में जाएंगे। और देखो श्रब में क्या लिखा है यहाँ पे, रोज़, मोगरा, तुलसी, तो ये सारे क्या हो गए, श्रब्स में, छोटे पेड़ हो गए। देन थर्ड वन क्या है, क्लाइंबर, क्लाइंबर में क्या आएगा, ग्रेप्स, मनी प्लांट,
कुकुम्बर, बटर गॉर्ड, तो ये सारे हो गए क्लाइंबर। तो यहाँ पे ये सारे हमने नेम्स लिखे, आप चाहे तो और भी नेम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बड़ा सा ट्री दिया है, ट्री के बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे। देखो ट्री, ट्री हमारे किस काम आता है, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, कितनी हमारी हेल्प करता है वो यहाँ पे दिया है, तो हम वो देखेंगे। ये बड़ा सा ट्री है, ऐसे देख के क्या लग रहा है, ये मैंगो का ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉक्स में पहले से लिखा है एज अ फूड, तो झाड़ जो ट्री है वो हमें क्या देता है, फूड देता है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स में क्या दिया है, गिव्स अस शेड, जो ट्री है वो हमें शेड देता है, छाया भी देता है, हाँ अगर हमें धूप लगे तो हम उसके नीचे खड़े हो सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कॉलम में क्या दिया है, यहाँ पे गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल, जैसे हमारे लिए घर है रहने के लिए, वैसे ट्री जो है वो बर्ड और एनिमल्स के लिए शेल्टर मीन्स रहने के लिए घर की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है एक कॉलम में, मेक फूड फॉर इट्सेल्फ, और ये जो ट्री है वो अपने लिए खुद भी एक फूड प्रिपेयर करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये नीचे वाला, गिव्स अस वुड, हमें ट्री क्या देता है, लकड़ी भी देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या देता है, देखो मेक ट्री स्टिक सॉइल, और ये सी जो हो क्या होता है वो मेक, उसके क्या कर सकते हैं हम, ट्री की जो स्टिक है उसे हम सॉइल स्टिक कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या दिया है, देखो राइट यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए हैं, तो पहले हम वो पिक्चर्स देखेंगे। इट गिव्स फ्रूट, ठीक है, ये जो पिक्चर्स देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्री है यहाँ पे फ्रूट्स लगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पहले क्या लिखा है, इट गिव्स फ्रूट, इट गिव्स सीड्स मीन्स ये जो ट्रीज हैं वो हमें क्या देते हैं, सीड्स भी देते हैं, यस। उसके बाद इट ऑल्सो यूज़ फॉर बर्ड्स, और ये बर्ड्स के लिए भी यूज़ होता है, उसके ऊपर वो शेल्टर बना सकते हैं, उसका फ्रूट खा सकते हैं, हाँ। उसके बाद एज अ फूड फॉर एनिमल्स मीन्स ये जो ट्री है वो एनिमल्स के लिए फूड भी देते हैं, यस दे कैन यूज़। अभी नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है देखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी एक ट्री छोड़ दिया है, इसमें क्या लिख, देखो ये कैसा लग रहा है, एकदम डेकोरेशन डिजाइनिंग वाला जैसा ट्री लग रहा है, यस। तो हम ऐसे ट्री को फॉर डेकोरेशन मीन्स अपने घर में हम डेकोरेशन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रूट फॉर ईटिंग, और ये जो उसका जो फ्रूट है वो हम खा सकते हैं, उसका हम जूस बना सकते हैं, यस एज अ फूड फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे एक्टिविटी दी है, यहाँ पे क्या दिखाया है, देखो लीफ बुक एंड ट्री बुक मीन्स आप ये ऐसी एक एक्टिविटी कर सकते हो अपने बुक में, एक पेज पे अलग अलग टाइप्स के लीव्स चिपका सकते हो और एक पेज पे अलग अलग ट्रीज के भी फोटो या तो चिपका सकते हो, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट आप ये सब अपने बुक में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉलम दिया है वो हम देखेंगे, लिस्ट आउट डिफरेंट यूजेस मीन्स ये जो ट्रीज हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या दिया है, नेम, यूज़ ऑफ फ्रूट, यूज़ ऑफ लीफ, यूज़ ऑफ ट्रंक, यूज़ ऑफ सीड, यूज़ ऑफ फ्लावर, मीन्स यहाँ पे पहले कॉलम में दिए हैं सारे ट्रीज के नेम, और उसका जो फ्रूट कैसे यूज़ होता है वो, उसके जो पत्ते कैसे यूज़ होते हैं वो दिया है, उसका जो ट्रंक है वो कैसे यूज़ होता है, उसके जो सीड्स उसके जो बीज है वो कैसे यूज़ होता है, उसके फ्लावर कैसे यूज़ होते हैं वो सब यहाँ पे दिया है। फर्स्ट वन क्या दिया है, मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री एज अ फूड, उसका जो फ्रूट होता है वो एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उसका जो लीफ होता है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, टू मेक अ तोरण, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो हम उसका तोरण बनाने में यूज़ कर सकते हैं, यस। यूज़ ऑफ ट्रंक, उसका जो ट्रंक है वो एज अ फ्यूल मीन्स हम लकड़ी जलाने में, खाना बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सीड्स, इसकी जो मैंगो ट्री के जो सीड्स हैं वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ माउथ फ्रेशनर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे लिखा है नीम ट्री, ठीक है, नीम ट्री कैसे यूज़ होता है, देखो टू मेक निमोली, उसका जो फ्रूट है वो छोटी सी निमोली येलो कलर की जैसे होती है, वो आपने देखी होगी, यस एज अ फ्रूट वो है उसका,
फिर एज अ स्किन मेडिसिन, उसका जो लीफ है वो हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो ट्रंक है वो हम उसके वुड जो है वो फर्नीचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके जो सीड्स है वो किसके लिए, हम लोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो फ्लावर है वो हम मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे देखेंगे श्रब के बारे में दिया है, हमने पढ़ा ही ऑलरेडी श्रब, ट्री और क्लाइम किसको बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, चिली दिया है, चिली, तो चिली को हम क्या है कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फूड हम यूज़ करते हैं खाने में, ठीक है, एज अ फ्यूल भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्पाइसिस मसाले में भी हम खाने में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया, और आप जो भी आपको पता है आगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्लाइंबर के बारे में, क्लाइंबर का एग्जांपल दिया है बॉटल गॉड, यस बॉटल गॉड मैंने पहले ही बोला, क्या होता है लौकी, हम उसकी सब्जी बनाते हैं टू मेक अ वेजिटेबल सब्जी, यस एज अ फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल के लिए फूड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हेयर ऑयल, उसका हेयर ऑयल भी बनता है हम बालों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, राइट, लिस्ट आउट द यूजेस ऑफ प्लांट, अब यहाँ पे कुछ यूजेस ऑफ प्लांट्स के बारे में हमने लिखा है पॉइंट्स वाइज, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, प्लांट्स गिव्स फूड फॉर अस एंड एनिमल्स, जो प्लांट होते हैं वो हमारे लिए भी फूड देते हैं और एनिमल्स के लिए भी फूड देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, प्लांट गिव्स शेल्टर एंड सॉरी प्लांट गिव्स शेल्टर टू बर्ड्स, जो प्लांट होते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स की शेल्टर देते हैं, मीन्स रहने के लिए जगह। सम प्लांट्स आर यूज फॉर एज अ मेडिसिन, कुछ ऐसे पेड़ जो है प्लांट्स जो मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है नीम ट्री ये सब। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड वुड फॉर यूज ऑफ मैनी वेज, उसका जो वुड होता है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, इस फर्नीचर में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम सम प्लांट वी कैन मेक क्लोथ्स, कुछ ऐसे प्लांट भी है जिसका हम उसके कपड़े भी बनते हैं। दे मेक एयर क्लीन, जो प्लांट होते हैं वो एयर हवा को क्लीन कर रखते हैं। दे गिव अस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जो प्लांट है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी देते हैं, ठीक है, आए समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे क्या दिया है, अमेजिंग फैक्ट दिया है, वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या देखो, मेज इज प्रोड्यूस इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, ये जो मेज है खाली एंटार्क्टिका को छोड़ के सारे कंट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर इन मध्य प्रदेश इन इंडिया, इंडिया में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है इन इंडिया, ठीक है। मोर देन 188 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इन गुजरात, मीन्स गुजरात में 188 लाख हेक्टर्स लैंड जो है किस लिए यूज़ होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ बनियन ट्री नेम कबीरवाड़, जो बनियन ट्री है उसे क्या नाम दिया है, कबीरवाड़, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, कौन सी रिवर पे, बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, इन विच इन साउथ गुजरात, इज सो ह्यूज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट इट्स मेन ट्रंक। ओके स्टूडेंट, सो होप आपको ये समझ में आया होगा दिस चैप्टर। Thank you.